मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। इसके बाद परिसर में नागरिकों ने एक दुकान से धुआं निकलते देखा। देखते ही देखते आग ने विशाल रूप धारण कर लिया। इसके बाद कपड़ा दुकान में आग लगी। सूचना मिलने के बाद महानगर पालिका के दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुगत नगर सिविल लाइन्स, कॉटन मार्केट, कलमना, लकड़गंज, त्रिमूर्ति नगर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेन मार्केट होने की वजह से यहां दुकान एक दूसरे से सटी हुई है। इसी वजह से आग पर काबू पाने के लिए दमकल ने तत्काल 8 गाड़ियां मौके पर रवाना की। भाई क्या घटना हुई बताइए। रात को लगभग 10:30 बजे हमारी दुकान में आग लग गई है। हम रात को 10:25 बजे 10:25 को अपने दुकान बढ़ा के घर को गए थे और 10:37 को हमें बाजू वाले दुकानदार की फोन आई कि आपकी दुकान में कुछ हुआ है और कुछ हुआ है। हम उसी समय आ गए वापस। हमारा रहना यही बेलपत्ता में है। हम 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद जैसे ही हमने शटर को ओपन किया तो हमने देखा कि आग पूरी फैली हुई थी। क्या नाम का दुकान का नाम? हमारी दुकान का नाम न्यू सतगुरु कृपा गारमेंट है। कौन फायर गाड़ी कितने बजे आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग अंदाजन 11 बजे के करीबन आ गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वालों तत्काल आए और उन्होंने बुझाए और उन्होंने अपनी सर्विस अच्छी दी है, जिससे आजू बाजू की दुकानों में क्षति होने से बहुत बच गई, क्योंकि आजू बाजू में भी कपड़े की दुकानें हैं और लेकिन वो सही समय पे आने से है। गाड़ी कितनी आई थी? लगभग फायर ब्रिगेड की 8 से 10 गाड़ियाँ आ चुकी थी, जिसमें से एक बड़ी गाड़ी भी थी जो पूरी रात भर ये दुकान पे पूरी आग बुझाने का काम की और सवेरे तक के वो मशक्कत करते रहे। सवेरे लगभग 6 बजे के करीबन वो आग काबू में आ गई, जिससे